हर्ष भैया राम राम। जय श्री राम भैया, क्या हाल चाल है? एक नंबर भैया। हर्ष भैया गाड़ियाँ चाहिए यार मुझे यार। बिल्कुल मिल जाएगी भैया। लोडिंग गाड़ी चाहिए भैया, पिकअप यार 2012-14 मॉडल अपने पास। बिल्कुल भैया, ये देखो चाहिए खड़ी है हमारी 14 मॉडल आपके पीछे जस्ट। अच्छा ये वाली 14 मॉडल पिकअप सादी गाड़ी, पंप वाली गाड़ी। अच्छा ये MP13 है ना? बिल्कुल MP13, उज्जैन पासिंग, हमारे मोहन यादव जी के यहाँ की गाड़ी। अच्छा हमारे मुख्यमंत्री जी की गाड़ी है यार। ये गाड़ियाँ तो बहुत ठीक है। हाँ यार मेरा एक दोस्त है उससे और ऊंचे मॉडल मांग रहा था, 22-23 में। 22-23 में ये देखिए 22 मॉडल गाड़ी। ये 22 है एकदम शोरूम से डायरेक्ट घर पे हमारे पास आई और हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। देखिए गाड़ी को आप। हाँ देखिए ये टॉप कंडीशन की गाड़ी है 2022 है। बिल्कुल देखिए भैया ये यहाँ पे लिखा हुआ 2022। वो हर्ष भैया इतना खर्चा काहे करते हो यार गाड़ियों को सजाने में? अरे भैया आप ये सब आप लोगों का प्रेम है ताकि हमें करना पड़ता है खर्चा इन गाड़ियों पे क्या। अच्छा, ताकि आप घर ले जाओ तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा आप क्या गाड़ी लेके आए। अच्छा 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 जी, आप, जी, आप पूरा पैसा देते हैं इसलिए हम पूरी गाड़ी व्यवस्थित करके देते हैं। जी, जी 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 जी, इसलिए आप गाड़ी को इतनी सजाते हैं ना। बिल्कुल भैया बिल्कुल। हाँ भैया देखिए यहाँ पे बहुत सारी आपको लोडिंग गाड़ियाँ देखने को मिल रही है पिकअप, जो की 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 सारी गाड़ी है ना, 24 तक की गाड़ी हमारे पास उपलब्ध है। बिल्कुल तो भैया अगर प्राइस बताएंगे यार एक ही गाड़ी की तो अपने को बहुत समय हो जाएगा। बिल्कुल भैया, और अपने छोटा सा वीडियो बना रहे काम करते हैं अपना, मुझे गाड़ियों का डाउन पेमेंट अनुमानित बता दीजिए और गाड़ियों की कीमत बता दीजिए अनुमानित क्या रहने वाली है। देखिए हमारे पास 3.5 लाख से तो 10 लाख रुपए तक की व्हीकल, मतलब 10 लाख रुपए तक की गाड़ी उपलब्ध रहती है। अच्छा डाउन पेमेंट बात करें तो मात्र 6,500 से 1 लाख रुपए के आसपास डाउन पेमेंट लगता है। 6,500 से 1 लाख डाउन पेमेंट के बीच में भाई जो देखिए आपको गाड़ी देखने को मिल जाएगी। और इन गाड़ियों की कीमत भैया 3.5 लाख से लगा के 9 लाख के बीच में है सभी की कीमत, सभी है ना भैया। बाकी अगर आप इन गाड़ियों को लेना चाहते हैं तो आपको इंदौर में आना पड़ेगा, अशोका ऑटो डील इंदौर जो लेक पार्क इंदौर में है। पास में भैया क्या है अपने नियर बाय? नियर बाय अपने चौतराम हॉस्पिटल भी और चौतराम सब्जी मंडी भी। अच्छा है। दोनों के बीच में भैया अपना जॉब है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे भैया अपने पास सारी गाड़ियाँ हैं। आप बहुत सारे किसान भाई आयसर वगैरह भी पिकअप गाड़ियाँ ढूंढते हैं अलग अलग प्रकार की, वो मिल जाती है अपने पास? बिल्कुल मिल जाती है। तो भैया उनके बारे में क्या रहेगा, कैसे क्या आना पड़ेगा आपको? आपके पास अगर फाइनेंस कराएंगे हम जी, तो फाइनेंस के लिए अपने को आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस। अगर छोटी गाड़ी में जाते हैं टाटा है पिकअप के वेरिएंट में जाते हैं तो 4-wheeler लाइसेंस अनिवार्य है। अच्छा अच्छा, और वहीं हम आयसर वेरिएंट में जाएंगे तो हमें हेवी लाइसेंस अनिवार्य रहेगा। अच्छा अच्छा, लाइसेंस वगैरह लाना पड़ेगा ना भैया फाइनेंस वगैरह के लिए? बिल्कुल है ना। ठीक है भैया, अगर केस में लेना चाहे तो उसके लिए? कैश में तो कुछ भी नहीं, नगद लेके आइए गाड़ी ले जाइए घर आपके ना जी। बाकी बीमा नाम पर वो तो हो जाएगा, वो तो सब करवा देंगे भैया। तो ठीक है हर्ष भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, अगर कोई किसान आना चाहे तो भैया आ सकता है अशोक ऑटो डील इंदौर में चौतराम मंडी के पास और चौतराम हॉस्पिटल के पास, अशोक ऑटो डील का नाम कन्फर्म कर लेना। हर्ष भैया कॉन्टेक्ट नंबर क्या रहेगा दोनों? 9098885193 और एक और नंबर हमारा मेंशन है आपको, दोनों पे किसी भी कॉल करके। एक बार हिंदी में बता दीजिए नंबर अपने। 909 हिंदी हमें इतनी अच्छे से आती नहीं है, और इंग्लिश में बता पाएंगे मीडियम वाले हमारे से भी है ना। जी भैया जी, एक बार फिर से बताइए भैया नंबर। 9098885193 जी, इस नंबर पर भैया कॉल कर लीजिए। हमारे हर्ष भैया थोड़े इंग्लिश मीडियम वाले हैं, भैया 7 दिन चालू रहता है, बंधन तो नहीं रहता भैया। सर रविवार को छोड़ के बाकी सब दिन हमारा चालू रहता है, सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक। अच्छा अच्छा, तो ठीक है भैया रविवार का दिन ना आए आप, सोमवार से शनिवार तक आ जाइए, आपको गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी। और ऐसी कितनी गाड़ी है भैया अपने पास? भैया इसकी इतनी मान के चलो, अगर सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक मैं गाड़ी दिखाऊंगा जी जी, आप थक जाओगे, गाड़ी कम नहीं होगी मेरे पास, गाड़ी कम होनी होगी बाकी थक जाएगा, आप थक जाओगे। आप सोच लीजिए कितनी गाड़ियों का स्टॉक होगा हमारे पास। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।